देश दुनिया में होली पर मथुरा वृंदावन का रंग बेजोड़ है, लेकिन कृष्ण ने जहां से दीक्षा ली और भगवान कृष्ण बने उसका उल्लास भी अद्भुत है। महाकाल की नगरी उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ होली खेली, रंग गुलाल उड़ाया, जिसका जायजा लिया संवाददाता संतोष कृष्णानी ने। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली में होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, उज्जैन का प्यार और आज हमारे कान्हा, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी, आज से ही होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वह भी कान्हा बनकर, कान्हा और राधा की वेशभूषा में गुरु के साथ पुष्प वर्षा कर गुलाल के साथ होली खेली है। और वहीं गुरु और शिष्य का जो एक अनमोल रिश्ता है, गुरु के बिना शिष्य अधूरा है, शिष्य के बिना गुरु अधूरा है, तो आज जो एक अनूठी पहल है, आज गुरु के साथ शिष्य ने होलियां खेली है। और खास बात यह है कि कान्हा और राधा और गोपियों ने वेशभूषा के साथ रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी है, प्रस्तुति के साथ गुरु को प्रसन्न किया है, यहाँ तक कि गुरु ने शिष्य को प्रसन्न किया है। आप देख सकते हैं अलग अलग वेशभूषा में होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है। और ये कान्हा क्या कहेंगे इस बारे में आप, गोपियों को आपने रंग से रंग दिया है? यहाँ हम फाग उत्सव मनाने आए, यहाँ पर कृष्णा जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी, यहाँ का नाम सांदीपनी आश्रम है। बिल्कुल राधा, आपने कृष्ण के साथ होली खेली है, पूरा लाल कर दिया है, गोपियों को भी इन्होंने लाल किया, क्या कहेंगे? क्योंकि कान्हा तो मस्ती मौज में ही रहते हैं, क्या कहेंगे? कान्हा हम शुरू से ही देख रहे हैं कि कान्हा बहुत नटखट है, उन्होंने अपने नटखटता से सारी गोपियों को अपने रंग में रंग लिया है और वो ऐसी नटखटता से सारे जग को अपने रंग में रंग लेते हैं। बिल्कुल, आपने इनको कान्हा को गोद में भी उठा लिया मौज मस्ती की धुन में, क्योंकि राधा के संग प्यार तो एक अलग ही अंदाज होता है। जी, राधा के संग उन्होंने प्यार तो बताया ही, साथ ही उन्होंने गोपियों संग अपना प्यार भी बताया है। बिल्कुल, हम गोपियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि गोपियों के बिना तो कान्हा अधूरा है ही सही, क्या कहेंगे कान्हा के बारे में? कान्हा जी राधा के तो हैं ही, पर हम गोपियों के भी हैं और हम भी गोपियां उनसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना राधा जी करती हैं, और हम भी चाहेंगे बिल्कुल कि कान्हा जी जिस प्रकार राधा को अपने प्रेम में रंग रहे हैं, हम भी कान्हा जी को थोड़ा सा अपने प्रेम के रंग में रंग सके। क्या कहेंगे गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, आज कान्हा ने होली खेली गुरु के साथ? बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज वो पावन पवित्र स्थान जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी और अपने सखा सुदामा जी के साथ शिक्षा ग्रहण करी, महर्षि सांदीपनी ऋषि का आश्रम जो कि उज्जैन अवंतिका नगरी में स्थापित है, आज से यहाँ पर होली पर्व की शुरुआत की गई है जो सतत चलती रहेगी। 6 से 7 दिन, 1 हफ्ता पूरा यहाँ पर भगवान की होली खेली जाएगी। आज राधा और कृष्ण ने इस होली खेल के, गोपियों के साथ में होली खेल के इस पर्व की शुरुआत करी है और पूरा यहाँ पर रोज यहाँ पर नित्य भगवान को फूलों से और गुलाल से होली खेली जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा महास्थान है जहाँ भगवान भी आकर विद्वान बने हैं। भगवान ने 64 दिनों में 64 विद्या, 16 कलाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया है। तो आज हमारे साथ राधा जी के साथ कृष्ण जी ने राधा जी और गोपियों के साथ होली भी खेल ली, तो एक शिक्षा, एक ज्ञान और भी यहाँ पर उपलब्धि मिल गई कि राधा और कृष्ण भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर किसी न किसी रूप में आज भी भगवान यहाँ पर पधारते हैं। राधा कृष्ण होली के रूप में खेलते हैं जो कि सतत 7 दिन का उत्सव यहाँ पर चलता है। तो जो मौज मस्ती होती है, मौज मस्ती के बीच जो रंग उगड़ता है, उसी को कहते हैं होली का पर्व। गगन परियार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन।